कार में पहुंचे भोजपुरी सिंगर निशा उपाध्याय को गोली लगी। खुशी के मौके पर हर्ष फायरिंग की गई थी। भोजपुरी सिंगर निशा उपाध्याय को अपनी प्रस्तुति दे रही थी, तभी जानकारी मिली कि उनके पैर में गोली लग गई है। फिलहाल पटना के निजी अस्पताल मैक्स में उनका इलाज चल रहा है। जनता बाजार के सिंधुआर गांव की घटना बताई जा रही है। छपरा सिवान के सीमावर्ती जनता बाजार के सिंधुआर गांव में भोजपुरी गायिका निशा उपाध्याय को एक कार्यक्रम के दौरान पैर में गोली लग गई। बताया जा रहा है कि हर्ष फायरिंग के दौरान यह घटना हुई है। जानकारी के मुताबिक जनता बाजार थाने के सिंधुआर गांव के उपनयन संस्कार में कार्यक्रम में प्रस्तुति देने पहुंची थी। दर्शकों को ये बता दी कि सरकार की तरफ से हर्ष फायरिंग पर सख्ती लगाई गई है। जिला प्रशासन की तरफ से एक तरफ से सख्त मनाई है, वहीं इस घटना के बाद AIT का गठन भी किया गया, पर जिला प्रशासन की टीम की नजर भी होती है। एक ये फिर भी जो हौसले काफी बुलंद है, लोग मानने को तैयार भी नहीं है और ऐसे हर्ष फायरिंग की घटना को अंजाम देते हैं। ये घटना मंगलवार की है। बहिबिस मामले को पूरी तरह दबाने की कोशिश की गई थी, उनकी कोई खबर मीडिया में नहीं आई थी। जब अचानक उनकी तस्वीर इलाज के दौरान क्लिक की गई, तब ये मामला संज्ञान में आया। हालांकि मीडिया में खबर आने के बाद पुलिस इस मामले को जांच कर रही है। कार्यक्रम के दौरान हर्ष फायरिंग दौरान गोली लगी थी। अब वीडियो भी धीरे धीरे सोशल मीडिया पर